Hello guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to show you how to remove unwanted facial hair. So guys, let's start the video. आज के वीडियो में मैं यूज करने वाली हूँ बेसन, गुलाब जल और वैसलीन। सबसे पहले हमें एक बॉल लेना होगा। इस बॉल में मैं 1 टेबल स्पून बेसन लूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा वैसलीन और इसमें मैं ऐड करूंगी 10 से 15 ड्रॉप रोज वाटर। सो गाइस, इन तीनों के मिक्सचर को मैं रेडी कर लूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, इसको मैं अपने फिंगर टिप से मिक्स करूंगी अच्छे से। स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैं इसको अपने फिंगर टिप से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके और एक अच्छी सी पेस्ट रेडी करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अभी इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा वाटर, रोज वाटर ऐड करूंगी ताकि ये पेस्ट की तरह रेडी हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर ली हूँ। अब इसको अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी। आपको इसकी बहुत ज्यादा थिन पेस्ट नहीं बनानी है, एक थिकनेस होना चाहिए इसके पेस्ट में ताकि ये आपके हेयर को अच्छी तरह से कवर करे और उसके बाद आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। As you can see, ये अच्छी तरह से पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे अप्लाई करना है अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। तो आपको इस तरीके से अपने हाथों पे इसको लेना है, इस पेस्ट को, और जहां कहीं भी आपका अनवांटेड हेयर है, लाइक यहाँ पे है अगर आपका, तो आपको इस तरीके से, अगर ज्यादा क्वांटिटी में तो इसको हटा देना है। उसके बाद इसको अच्छे से अपने अनवांटेड हेयर एरिया में आपको इसको अप्लाई करना है, इसको रब करना है, हार्डली रब करना है, आपको सॉफ्टली रब नहीं करना है। सॉफ्ट आप करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके फेसियल जो हेयर है वो तो रिमूव नहीं होंगे, बट ये आपके फेस पर करना है। जिनके अपर लिप पे हेयर होते हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे जितने भी थोड़े बहुत हेयर थे वो सारे इसमें चिपक के निकल चुके हैं। अगर आपको कैमरे में दिखता तो मैं आपको दिखा सकती थी, पर शायद कैमरे में उतने छोटे हेयर कैच ना हो, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप देख सको तो इसमें शायद नहीं आ रहे हैं।
सो गाइज इसमें जितने भी मेरे छोटे छोटे हेयर्स थे, फेसियल है, वो सारे निकल चुके हैं इसमें। आप जितना ज़्यादा रब करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी तरीके से आपके जितने भी फेसियल हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आप इसको फोरहेड पे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के होते हैं फोरहेड पे भी हेयर होते हैं, तो वो भी हेयर ये अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है। ये आपके फेसियल हेयर पे डिपेंड करता है कि आपके फेस पे कितना ज़्यादा हेयर है, आप उस क्वांटिटी में इसको अप्लाई करो। अगर एक बार में पूरे हेयर नहीं निकल रहे हैं तो एक बार में आप करके और वापस से दोबारा इसको अपने फेस पे रब करो, तब आपके जितने भी हेयर्स हैं वो डेफिनेटली सारे रिमूव हो जाएंगे और आपको पेनलेस जो होता है वो फेसियल का जो पेन है, फेसियल वैक्स का, ये आप देख सकते हैं ये चिपक गया था बिल्कुल भी मेरे हेयर में। इस तरीके से ये हेयर में चिपक के और उसको जड़ से निकालता है, बिल्कुल अंदर से आपके फेसियल हेयर को निकाल देता है, ताकि बाद में भी आपके फेसियल हेयर जो है अगर आएंगे भी, मैं ऐसा नहीं कहती कि आपके फेसियल हेयर फिर वापस कभी आएंगे ही नहीं, आएंगे लेकिन बहुत ही लेट आएंगे, बहुत टाइम के बाद आएंगे, ऐसा नहीं है कि आएंगे ही नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है जिससे आपके हेयर ग्रोथ ही रुक जाएंगे, वो तो निकलेंगे ही, बट आपके जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी लेट होंगे, बहुत दिनों बाद होंगे। आप इसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद अप्लाई करो, जब भी आपके हेयर वापस आए तब। इसके बाद इसको अच्छे से अप्लाई करके उसके बाद आप फेस वॉश कर लो अच्छी तरीके से, आप देखोगे कि आपके जितने भी फेसियल हेयर हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं और आपका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और चिकना हो गया है। हम देख सकते हैं मेरे फेसियल हेयर सारे निकल गए हैं। गाइज ये ट्रिक मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये एक बार अप्लाई करके जरूर देखें, एक बार इसको ट्राई करें ताकि आपको भी इसका रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाउ वाज माय वीडियो टेल मी इन द कमेंट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच नेचुरल रेमेडीज फ्रॉम मी एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। See you in my next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.